Hello friends, in last video we will discuss about the recursive tree method based on our one example. इस वीडियो में हम another example, different kind of example को discuss करेंगे. Most important example और most popular example to solve the recurrence relation using recursive tree method. So question is t of n equals to t n by 2 plus t n by 4 plus में t n by 8. प्लस एन. सो दिस इज द क्वेश्चन. और ऑलरेडी हम रिकर्सिव ट्री मेथड को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में मोर देन वन रिकर्सिव टर्म्स है, तो वहां पे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ अ रिकर्सिव ट्री मेथड सॉल्व कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री रिकर्सिव टर्म्स, इनको सॉल्व करना है यूजिंग रिकर्सिव ट्री मेथड. सो सबसे पहले जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज एन, तो एन को मैं क्या करूंगा, रूट नोड बना लूंगा. नाउ ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियोस में आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं. यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे मेरे तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो, देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी. मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये बताया है कि जो भी टर्म छोटी है, मतलब स्मॉलर टर्म्स है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जो लार्ज है उसको राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे. इन तीनों टर्म्स में देखें तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट टर्म, यदि आप देखें तो यहां पर बेसिकली n by 2 या n by 4 ये n by 8, ठीक. तो यदि देखेंगे आप तो n की वैल्यू लेट सपोज 8 है, तो 8 by 2 यहां पे कितना आ गया 4, 8 by 4 यहां पे कितना आ गया 2, 8 by 8 ये कितना आ गया 1. तो स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी हो गई, ये वाली. तो आप चाहें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी चल सकते हैं. और मैंने ये भी आपको बताया था कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप लेफ्ट में छोटी टर्म रखेंगे या राइट में बड़ी टर्म रखेंगे. बस जो भी एक एजम्पशन आप लेकर चलेंगे उसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करना है. इस वीडियो में मैं यहां पर एन की जगह एन बाय टू पुट कर रहा हूं, यहां पर एन की जगह एन बाय फोर पुट कर रहा हूं, और यहां पर एन की जगह एन बाय एट पुट कर रहा हूं, ठीक. Now, आगे चलते हैं. जैसे ही आगे बढ़े तो हमें क्या करना है, अब फिर से इस n की जगह क्या करना है, क्योंकि n is a recursive term, ये कब तक करेंगे, जब तक कि बेस कंडीशन नहीं मिल जाती. तो फिर से हम क्या करें, इस n की जगह में क्या करूंगा, यहां पर n by 2 पुट करूंगा लेफ्ट में, सो ये हो जाएगा n by 4. देन मिड में मैं क्या करूंगा, n की जगह कौन सी वैल्यू लेकर चल रहा हूं, n by 4, सो ये हो जाएगा n by 8. राइट हैंड साइड में n की जगह क्या पुट करूंगा, n by 8, so this is a n by 16, ठीक. Similarly, इस particular केस में भी left में n by 2, so ये हो गया n by 8, mid में n की जगह n by 4, so this is a n by 16, right में n की जगह क्या हो जाएगा आपका, यहां पर n की जगह n by 8, so n by 8, so ये हो गया n by 8 into 4, 30. As it is, इसको भी एक्सपांड कर लेते हैं तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा n by 2, so ये हो गया n by 16. यहां पे क्या हो गया आपके पास में मिड में n by 4, so this is a n 8 into 4, 32. आगे बढ़े so ये हो गया n by 8, so n upon 64, ठीक. So ऐसे and so on ये चलता रहेगा आपका पूरा का पूरा. आगे यदि हम चेक करें so and so on so on so on, ठीक. Now अब क्या करना है मुझे, हर एक लेबल का टाइम कैलकुलेट करना है. so इस लेबल का टाइम क्या हो गया मेरा n, इस लेबल का टाइम कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया n by 2 plus n by 4 plus n by 8, ठीक. तो इस पर्टिकुलर टाइम को यदि आप कैलकुलेट करेंगे so this is a 7 n by 8, ठीक. सॉल्व करके देख सकते हैं आप, चाहे तो एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं, यदि आप नहीं तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि बेसिकली हम इस तरह से एलसीएम लेते हैं और इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये 1 1 1, ठीक है. सो यदि इसको आप देखें तो 2 2 into 2 into 2 कितना आ गया 8, सो 8 इज द एलसीएम. सो 8 यहां पे सॉल्व करेंगे इसको तो 2 8, सो ये 4n प्लस 4, ये 2n प्लस ये 1n, सो टोटल कितने आ गया आपके पास में 7n by 8. सो ये इस पर्टिकुलर लेबल का टाइम हो गया.
Now again, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64 LCM आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये बनेगा आपका 7/8 का होल स्क्वायर और n, ये टाइम निकल के आएगा आपका इस पर्टिकुलर केस में, मतलब 49, ये हो जाएगा आपका 49/64 n, सो एंड सो ऑन, ऐसा आपका चलता रहेगा। नाउ हर एक लेबल का जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे एक सीरीज बनेगी, फर्स्ट लेबल का टाइम n, दूसरे लेबल का टाइम 7/8 n, तीसरे लेबल का टाइम आ गया 49/64 n, एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। कब तक ये कब तक चलेगा आपका, जो भी आपकी इस ट्री की हाइट होगी। सो ट्री की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो n अपॉन 2 to the power, यदि इसको मैं 0 बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, अप टू n अपॉन, ये हो जाएगा आपका n अपॉन 2 to the power k, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सो इसको बेस्ट, यदि एक को बेस्ट बोल रहे हैं एक को वर्स्ट बोल रहे हैं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, n अपॉन 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2 अपॉन n अपॉन 8 to the power k, ठीक। सो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक को भी सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम निकल के आएगा, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, लेट n अपॉन 2 to the power k = 1, सो n इक्वल्स टू 2 to the power k, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे सो ये आ गया k की वैल्यू लॉग है, ठीक। ऐसे एज इट इज इसके लिए n अपॉन 8 to the power k = 1, सो n इक्वल्स टू 8k, यदि k की वैल्यू निकालेंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग 8 बेस में आ गया और यहां पे क्या आ गया आपके पास में n, ठीक है। सो यदि आप देखें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो के इक्वल्स टू ये भी लॉग एन और ये भी ऑलमोस्ट आपका लॉग एन, क्योंकि बेस इज चेंज हो रहा है, सो ये भी आपका क्या हो गया, के इक्वल्स टू लॉग एन, ठीक। नाउ सो हम हमारे पास हाइट आ गया, हाइट आ गया मतलब के आ गया, के इज अ लिमिटेड टर्म, तो हम कहां तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं, एन अपॉन एन अप 7/8 टू दी पावर के टाइम्स तक, ये आपका चलता रहेगा, ठीक। यहां से n को यदि आप कॉमन ले लें तो 1 + 7/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 49 या 7 का स्क्वायर कर ले, 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 7/8 का n क्यूब एंड सो ऑन, कब तक, 7/8 टू दी पावर के, के इज अ लॉग n, ठीक है, के टाइम्स लॉग n हो गया आपका, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, दिस इज अ जीपी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास में क्या बच के आएगा, n, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जब आप इसको लगाएंगे सो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकर्सिव ट्री मेथड, दिस एग्जांपल। थैंक यू सो मच।